हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्कैल्प ट्रेडर को कौन सा ब्रोकर चुनना चाहिए जिसमें आपका अधिक से अधिक ब्रोकरेज चार्ज सेव हो सके। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं स्कैल्पिंग, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप में से काफी सारे बिगनर्स मुझे इंट्राडे वाले वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भैया हमको स्कैल्पिंग के बारे में बताइए, स्कैल्प ट्रेडिंग क्या होता है, स्कैल्प ट्रेडिंग हम लोगों को कहां पर करना चाहिए। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्कैल्प ट्रेडिंग किसको बोलते हैं। अगर आप बहुत कम पीरियड के अंदर मार्केट में एंट्री लेते हैं और एग्जिट ले लेते हैं, इसको बोला जाता है स्कैल्पिंग। यानी कि 2-4 मिनट के अंदर अंदर आप एंट्री लिए, प्रॉफिट लिए और एग्जिट कर लिए, तो उसको बोला जाता है स्कैल्प ट्रेडिंग करना। अब अगर आप एक स्कैल्प ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा दिन में 20 बार 25 बार 30 बार नॉर्मल बात है। यानी कि 20 बार 25 बार अगर आप ट्रेड करते हैं और ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर अगर आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ गया, यानी कि एक सिंगल ट्रेड के अंदर अगर आपको ₹40 देना पड़ रहा है, और अगर आप दिन में 20 बार 25 बार स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ सकता है। तो इन सब का मात्र एक सॉल्यूशन है एम स्टॉक एप्लीकेशन। ये आप सभी के लिए जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान लेकर के आया है। इसमें मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन दिखाता हूं, आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर अगर आप देते हैं ब्रोकरेज चार्ज, और मान के चलते हैं कि कम से कम आप 10 ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि 5 ट्रेड करते हैं कम से कम स्कैल्पिंग के अंदर, अगर आप 5 ट्रेड करते हैं तो एक महीने के अंदर आप लोगों का कितना ब्रोकरेज चार्ज बनता है, ₹4,000। और इसी को अगर आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक साल के अंदर ₹48,000 केवल और केवल ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। तो इन सब से अगर आपको बचना है तो सिर्फ एम स्टॉक एप्लीकेशन आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर प्लान लेकर के आया है, जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान। तो मैं आप सभी को इसके प्लान के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या आपको इसमें ऑफर देखने को मिलता है। अगर आप 999 वाला प्लान लेकर के चलते हैं तो इसमें आपको डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, सभी में आपको जीरो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। इसके अलावा 149 वाला भी प्लान है। अगर आप 149 वाला प्लान लेकर के चलते हैं तो इसमें आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, करेंसी, कमोडिटी के ऊपर आपको ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इसमें आपका जीरो ब्रोकरेज चार्ज लगता है। यानी कि अगर आप 999 वाले प्लान में जाते हैं तो बहुत अच्छा सौदा हो सकता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 999 वाले प्लान के साथ जाना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर्स खरीद करके होल्ड करना चाहते हैं, डिलीवरी में आईपीओ खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आप 149 वाले प्लान को भी लेकर के चल सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वाला प्लान लेकर के चलना है, आपको इसके अंदर करना क्या है। इसके अलावा आपको एम स्टॉक के अंदर काफी सारे एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप सिंगल क्लिक के साथ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, सिंगल क्लिक के साथ आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप वॉइस सर्च करके अपने शेयर्स को, म्यूचुअल फंड को, एफएनओ को खोज सकते हैं। इसके अलावा आपको प्री डिजाइंड बास्केट इंडेक्स देखने को मिलता है इसके अंदर। और दोस्तों इससे पहले भी मैं आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू एम स्टॉक एप्लीकेशन के बारे में बताया था, जिसमें आप लोगों का कमेंट ये था भैया हमको ये बताइए एम स्टॉक एप्लीकेशन नया एप्लीकेशन है, क्या हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर देगा, क्या ये भरोसा के लायक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है अभी 3-4 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, लेकिन ये जो कंपनी है बहुत पुरानी है, 2007 से चल रही है, म्यूचुअल फंड चलाती है ये। दोस्तों मिराय एसेट म्यूचुअल फंड के नाम से आप सर्च कर लेना गूगल के ऊपर, आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। आज इसको ग्लोबल मार्केट के अंदर 15 साल हो गए हैं, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है भरोसेमंद है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में फाइनली मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है। सबसे पहले इसका जो ब्रोकरेज चार्ज है जीरो है, मुझे काफी अच्छा लगा। इसके अलावा इसका यूजर इंटरफेस काफी आसान है, क्विक एग्जीक्यूशन होता है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको क्विक एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। अगर तुरंत आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है ऑर्डर तो आप बहुत ज्यादा लॉस कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। तो वो चीज आप लोगों को इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा, आप इसके अंदर क्विक एग्जीक्यूशन कर सकते हैं सिंगल क्लिक के अंदर। इसके अलावा आपको काफी सारे बेनिफिट्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और आपका क्या ओपिनियन है इस एप्लीकेशन के बारे में, अगर आप भी इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सकेगी। अगर आप भी इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और आप भी इसको यूज कीजिए, स्कैल्पिंग के लिए काफी अच्छा एप्लीकेशन है। और फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Investments and securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.